सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीवी श्रीनिवास की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास। आपको बता दें कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति सिंह, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 2023 से बात करें तो देखिए राजस्थान है और वहीं 2024 में लोकसभा के चुनाव है। कांग्रेस के लिए आने वाला रास्ता देखिए किसी भी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। इसी को लेकर देखिए लगातार 10 जनपद पे दिल्ली के बार बार बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है और वहीं देखिए राजस्थान के किले को भी बचाना है और लोकसभा चुनाव की पटकथा को भी तैयार करना है। ऐसे में दिल्ली में चिंतन मनन और मंथन का दौर लगातार जारी है। और देखिए कल अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद से होकर गए हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करके गए हैं। और देखिए दूसरे वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मुलाकात करके गए हैं। 5 घंटे से भी ज्यादा ये लंबी बैठक थी और प्रशांत किशोर ने देखिए प्रेजेंटेशन भी दिया। और वहीं आज की बात करें तो देखिए आज सचिन पायलट 10 जनपद पहुंचे हुए हैं और वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए जब दो कांग्रेस के युवा नेता जब सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं तो ऐसे में कई अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के 10 जनपद में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पहले सीएम गहलोत का जाना और अब पायलट के साथ सोनिया की मीटिंग, क्या आला कमान कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है ये देखने वाली बात होगी। और देखिए वही दूसरे युवा नेता जो है श्रीनिवास बीवी वो भी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में अब क्या आला कमान जो है युवा नेता को जिम्मेदारी देता है, क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर से ये मांग हमेशा से ही आती रही है कि युवा नेताओं को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। तो और ऊपर से प्रशांत किशोर भी लगातार बैठक कर रहे हैं और वो भी एक रोड मैप दे रहे हैं, नेताओं को टिप्स दे रहे हैं और कई तरीके की प्लानिंग कांग्रेस में चल रही है। तो ऐसे में जब दो युवा नेता मिलने पहुंचे हैं सोनिया गांधी से, मीटिंग में क्या कुछ सामने आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और देखने वाली बात होगी कि मीटिंग के बाद किस तरीके की खबर सामने निकल के आती है। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए